वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट मैथमेटिक्स का। तो इसके पहले ऑलरेडी हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें अप टू 25 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 26 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का प्रॉब्लम है वो है 26, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 3dx रूट अंडर 1 - 9x² इंटू इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x² 3x को हम लोग मान लेंगे साइन थीटा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे इसको, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 3x ऊपर 3 है, तो 3x को अगर हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इतना के जगह पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 के जगह 3dx के जगह कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट अंडर 1 - क्या हो जाएगा, 3x के जगह पे हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। तो 3x² मतलब 9x² तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सिंपल क्या बच जाएगा, इतना का सिंपल हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन सिंपल इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dx, क्योंकि cos थीटा ऊपर भी cos थीटा नीचे बचेगा तो वो कैंसिल आउट होगा। तो सिंपल इसके जगह पे हम लोग अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो इसके जगह पे हम लोग सिंपल d थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो d थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हुआ, थीटा प्लस के, और थीटा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या माने थे हम लोग 3x इक्वल टू साइन थीटा, देन साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 3x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x किस में है, अब प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स 3x प्लस के, देन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी के लिए हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है 27, ये तो बिल्कुल इजी है। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 / x² तो हम लोग सिंपल जानते हैं tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 / 1 + x² तो 1 / 1 + x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, अगर आप चाहें तो इसको वैल्यू रख कर भी बना सकते हैं, पर ये डायरेक्ट हम लोगों को याद रखना चाहिए, ये बेसिक है। नीचे है 28 नंबर, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 / sin² x इंटू डी एक्स, तो 1 / sin² x सिंपल क्या होता है, cosec² x, एंड cosec² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, -cot x, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cosec² x इंटू डी एक्स, फिर cosec² का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, -cot x, और एक कॉन्स्टेंट देंगे प्लस के, तो k - cot x, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 28 का। अब नेक्स्ट है 29 बहुत ईजी है, 100 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, तो सिंपल इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मतलब कुछ नहीं है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x⁻⁰ इक्वल टू 1, तो x⁻⁰ इंटू डी एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन है तो। अब इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल है, x 100 x⁻⁰ + 1/1 हो जाएगा, 0 + 1 प्लस के, यानी x⁻⁰, तो 100x हो जाएगा, तो हो जाएगा k + 100x, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, k + 100x, इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 30, इंटीग्रेशन ऑफ 4 / x इंटू डी एक्स, तो ये सिंपल इसका a⁻⁶ का इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻⁶ इक्वल टू a⁻⁶ अपॉन
लॉग ए प्लस कांस्टेंट सी या के कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है। तो अब यहाँ पे ए के जगह पे मेरा 4 है, तो 4 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए यानी लॉग 4, लॉग 4 प्लस के। अब देखिए ऑप्शन में 4 पावर एक्स अपॉन लॉग 4, लॉग 4 को हम लोग लिख सकते हैं, लॉग को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4 को, तो इसको हम लोग ले 2 लॉग 2, तो जिसमें डी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पर पावर एक्स अपॉन इसके जगह पे 2 लॉग 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 पर पावर एक्स 2 लॉग 2 प्लस के, दिस इज द राइट आंसर 30 नंबर। नेक्स्ट आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है सोल्व दिस इक्वेशन, तो किस तरह से सोल्व करना है ये सिंपल, वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यही, तो हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे, एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस बाई स्क्वायर डी बाई, अब दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स के डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर का माइनस बाई का क्यू अपॉन 3 प्लस के, तो हो जाएगा क्या दोनों एक तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू के, इस तरह हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू के, देन बी इज द राइट आंसर 31 का बी। 32 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग तोड़ कर बनाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग जानते हैं, इस जितना भी रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग मानेंगे तो ए अपॉन इसको एक्स माइनस 3 टोटल को मान लेंगे अपॉन बी अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरह से मानते हैं और ए बी का वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद हम लोग पुट करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो पुट, अगर हम लोग इसको सोल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सिंपल करेंगे ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आएगा एक आएगा ए इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, देन ए इक्वल टू प्लस 6 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 3 पुट करते हैं देन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, देन बी इक्वल टू माइनस 6, तो इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, क्या अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो एक ए इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए के जगह पे आया है 1 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री और प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, इतना लिखेंगे टोटल का dx, ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, तो 1 अपॉन 6 लॉग एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 6 लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट तो 1 अपॉन 6 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा लॉग में माइनस में लॉग है तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरह से इसको बनाएंगे तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी, मेरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस तरह से इसको बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। तो ये थोड़ा सा लंबा था, मान 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स के जगह पे हम लोग मान सकते हैं इसको एक्स इक्वल टू हम लोग मान सकते हैं 4 यहाँ पे टैन थीटा, एक्स इक्वल टू 4 टैन थीटा, देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा 16 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया, फोर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, देन हो जाएगा मेरा इतना के जगह पे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के जगह पे फोर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स के जगह पे फोर सेक, तो यहाँ पे 16 कॉमन हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा नीचे कैंसिल, ये बच जाएगा टोटल कैंसिल हो जाएगा हमें मेरा इतना, या फोर से फोर कैंसिल, फोर फोर जा 16, तो टोटल जो इतना के बचले मेरा बचेगा वो सिंपल मेरा बच जाएगा, क्या सिंपल मेरा बच जाएगा अगर कैलकुलेट करके लिखें तो थीटा मानेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या सिंपल वन अपॉन फोर डी थीटा, इतना ही बचेगा मेरा आप लास्ट में काट कर, तो बच जाएगा वन अपॉन फोर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस एक कांस्टेंट देंगे कि अब थीटा हम लोग कितना माने थे, हम लोग माने थे यक्स इक्वल टू माने थे फोर टेन थीटा, फोर टेन थीटा माने थे, देन टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन फोर, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो थीटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन फोर, देन वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर टेन इनवर्स एक्स अपॉन फोर, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन फोर थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स अपॉन फोर, देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 34 नंबर प्रॉब्लम है वेक्टर से, 7i × 7j, 7i × j क्या हो जाएगा मेरा, ये थ्योरी 7 × 7 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7i · j, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49i·j, आई डॉट जे क्या होता है जीरो, दो अपोजिट दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, i·i1 i·j·j1 k·k1, बट i·j 0 j·k 0, ये जा रहा है क्या होता है जीरो, देन इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा जीरो, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35, 9j − 3 × …3k, देन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे जे डॉट के हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन को अगर अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 27 × i·k·j j·k·, तो जे डॉट के क्या हो जाएगा जीरो, देन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36, 4i, ये भी वेक्टर से है, इसको क्या करेंगे 4i·7i − 8j + 3k, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम i·i क्या होता है वन, i का j के साथ जीरो होगा और i का k के साथ जीरो, तो ये सारा क्या हो जाएगा ये जीरो बच जाएगा मेरा क्या 4i·7i·, तो क्या हो जाएगा 28i·i·, तो मेरा हो जाएगा 28 × 1 क्या हो जाएगा 28, 36 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेरा 37, 37 क्या हो जाएगा 3i − 4j · 2i − 3j + 4k, ये भी क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3i का सबके साथ करेंगे तो 3i का अगर 2i के साथ करते हैं तो होगा बाकी सारे के साथ j और k के साथ जीरो होगा, 4j का 3j के साथ 1 होगा बाकी सारा जीरो होगा, तो हो जाएगा इसका वैल्यू क्या 3i·2i हो जाएगा −4j·, यहाँ पे हो जाएगा +4j·×3j·, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6j·j·, i·i·1 +4 × 3 हो जाएगा 12j·j·=1, बाकी सारा क्या हो जाएगा k, j का i के साथ 0, j का k के साथ 0, बाकी सारा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, सिंपल क्या हो जाएगा 6 + 12, तो हो जाएगा 18, देन सी इज द राइट आंसर। 37, 38 क्या है सिंपल,
ये मॉड ऑफ दिस, देन मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं, कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर। तो कोफिशियंट किसी तरह से भी हो हम लोग इसका लिखते हैं, तो पहले जे का है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया। देन ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर फोर प्लस फोर प्लस वन, देन रूट अंडर नाइन, देन थ्री इज द राइट आंसर 38। 39 क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से है, इसको किस तरह से करेंगे, ये सिंपल है, वन रूट थ्री डी एक्स रूट अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टैन इनवर्स एक्स, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये टैन इनवर्स एक्स लोअर लिमिट वन अपर लिमिट रूट थ्री, वैल्यू लिमिट पुट कर देंगे, टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस टैन इनवर्स वन। टैन इनवर्स रूट थ्री कितने डिग्री का मान, रूट थ्री होता है, टैन रूट थ्री देखते हैं सिक्सटी डिग्री, टैन सिक्सटी डिग्री का मान क्या होता है, रूट थ्री। तो सिक्सटी डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, टैन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई अपॉन सिक्स माइनस टैन इनवर्स टैन पाई अपॉन फोर। तो टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू, देन क्या हो जाएगा मेरा, पाई अपॉन सिक्स माइनस पाई अपॉन फोर, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई अपॉन सिक्स माइनस पाई अपॉन फोर। अब इसको इसका वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे पाई अपॉन थ्री हो जाएगा क्योंकि सिक्सटी डिग्री का मान पाई अपॉन थ्री होता है, तो देन ट्वेल्व फोर फोर पाई माइनस थ्री पाई क्या हो जाएगा, पाई पाई अपॉन ट्वेल्व, देन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40। 40 क्या है, इफ़ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू इट देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मॉड। तो सिंपल इसमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, तो ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो आई का आई के साथ ऐड करेंगे, आई को आई के साथ ऐड करेंगे, बी जे को जे के साथ एंड के को के साथ, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस टू आई माइनस थ्री आई वैक्टर माइनस टू जे माइनस थ्री जे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा फाइव जे माइनस फाइव जे, और यहाँ पे के वेक्टर है नहीं तो माइनस फोर के सिंपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री आई माइनस फाइव जे माइनस सिक्स के का मॉड। तो मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉड करेंगे, तो मॉड निकालने के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन, प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, प्लस कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो रूट अंडर फिफ्टी, फिफ्टी का क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टू, तो फाइव रूट टू, दिस इज द एंसर, ऑप्शन डी इज द राइट एंसर। तो ये था अप टू प्रॉब्लम नंबर 40। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।